एससीईआरटी घोटाले मामले में गिरफ्तार रविजीत गोगोई और पूजा दास उर्फ हनी कश्यप को सीएम विजिलेंस कार्यालय से उनके निवास स्थान ले जाया गया है। पूजा दास को मिर्जा स्थित घर ले जाया गया है। वहीं रविजीत गोगोई को गुवाहाटी के घोरामाड़ा स्थित घर ले जाया गया है। दोनों को आज सीएम विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई के लिए उनके ठिकानों पर ले जाया गया है। 105 करोड़ रुपए के एससीईआरटी घोटाले मामले की जांच कर रही सीएम विजिलेंस की टीम ने आज 7 लोगों को कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था, जिसके बाद विद्युत कलिता सीएम विजिलेंस कार्यालय में हाजिर हुआ है। वहीं प्रदीप बरुआ, केशव गोगोई, मनोज दास, बेनी दौले, राजीव काकती और तालुकदार उपाधिधारी व्यक्ति को सीएम विजिलेंस ने कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया है। यहां बता दें कि मनोज दास एकत्रित युवा मंच का सचिव और प्रदीप बरुआ अध्यक्ष है। वहीं केशव गोगोई आरटीआई कर्मी है। दूसरी तरफ अजरा निवासी बनजीत माली अभी भी फरार है। इसे 105 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में सीएम विजिलेंस की टीम ने अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें निलंबित आईएएस अधिकारी शिवाली देवी शर्मा, उसकी बेटी और दामाद भी शामिल है। तो एससीईआरटी घोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। एससीईआरटी घोटाले मामले में गिरफ्तार रविजीत गोगोई और पूजा दास उर्फ हनी कश्यप को सीएम विजिलेंस कार्यालय से उनके निवास स्थान ले जाया गया है। पूजा दास को मिर्जा और रविजीत गोगोई को गुवाहाटी के ही घोरामारा स्थित घर ले जाया गया है। दोनों को आज सीएम विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई के तहत उनके ठिकानों पर ले जाया गया है। 105 करोड़ रुपए के एससीईआरटी घोटाले मामले की जांच कर रही सीएम विजिलेंस की टीम ने आज 7 लोगों को कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था, जिसके बाद विद्युत कलिता सीएम विजिलेंस कार्यालय में हाजिर हुआ। वहीं प्रदीप बरुआ, केशव गोगोई, मनोज दास, बेनी दौले, राजीव काकती और तालुकदार उपाधिधारी व्यक्ति को सीएम विजिलेंस ने कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया है। यहां बता दें कि मनोज दास एकत्रित युवा मंच का सचिव है और प्रदीप बरुआ इसी मंच का अध्यक्ष है। वहीं केशव गोगोई आरटीआई कर्मी है। आजरा निवासी बनजीत माली अभी भी फरार है और इस 105 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में सीएम विजिलेंस की टीम ने अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें निलंबित आईएएस अधिकारी शिवाली देवी शर्मा, उसकी बेटी और दामाद भी शामिल हैं।